हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में क्या आप बारिश में स्केटिंग कर सकते हैं? फ्रेंड्स, डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन से फर्स्ट कॉल कब की गई थी? अप्रैल 3, 1973। यस फ्रेंड्स, इतने साल पहले मोबाइल फोन हमारी दुनिया में आ चुके थे। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या आपको बारिश में स्केटिंग करनी चाहिए? इसके लिए फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले, आप कितनी बारिश में स्केटिंग करेंगे और आपको कैसी स्केटिंग करनी है बारिश में, इसके लिए पहले आप वीडियो देखें प्लीज। अगर आपके रिंक में हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों में आपके टूर्नामेंट्स हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर आपने ध्यान किन बातों का रखना है कि आपको एक तो फुल फास्ट स्केटिंग नहीं करनी है, दूसरा आपके व्हील से ग्राउंड के ऊपर यानी स्केटिंग रिंग के ऊपर पानी की लाइनें, जो बारिश का पानी गिर रहा है, उनकी लाइनें नहीं बननी चाहिए। जब तक लाइंस नहीं बन रही, तब तक आप स्केटिंग आराम से कर सकते हैं। आज हमारे स्केटिंग रिंग में बारिश हो रही है और परसों से CBSE नॉर्थ जोन टूर्नामेंट स्टार्ट है। स्केटर्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है अपनी बॉडी की कंडीशनिंग के लिए, इसलिए हमारे स्केटर्स हल्की हल्की बारिश में स्केटिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए ग्राउंड, ये बारिश की बूंदें हैं। मैं कोशिश करता हूं कि रोशनी में आपको बारिश की बूंदें दिखा सकूं। ये देखिए आप, ये हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं बारिश की। पर जब स्केटर स्केटिंग कर रहा है, उसके व्हील से ग्राउंड पर लाइनें नहीं बन रही, जब तक व्हील से स्केटिंग रिंग में लाइनें नहीं बन रही पानी की, तब तक स्केटर स्केटिंग कर सकता है। जैसे ही लाइन बनती हैं, तो आपको स्केटिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन बनने का मतलब रिंग ज़्यादा गीला हो गया। अगर आपने बंद नहीं करी तो आप गिर जाएंगे। लाइनें बनते ही आपके व्हील स्लिप करने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए, ऐसे लाइन पड़ रही हैं स्केट्स की। अब आपको स्केटिंग नहीं करनी है, ये ग्राउंड ज़्यादा गीला हो गया है। ये लाइन नज़र आ रही है आपके सामने। अब आपको स्केटिंग नहीं करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जितनी बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, आपको सिर्फ इस बारिश में स्केटिंग करनी है, वो भी टॉप स्केटर्स को, जिनका स्केट्स पे पूरा कंट्रोल बना हुआ है। अगर आपका स्केट्स पे पूरा कंट्रोल नहीं है, आपने हल्की फुल्की बारिश में स्केटिंग कर ली, तो आप गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरी बात, आपको स्केटिंग तब करनी है जब आपका इवेंट आपके सिर पे आ गया हो, मतलब कि कुछ ही दिन में आपका इवेंट होने वाला हो। अगर इवेंट से कुछ दिन पहले हमने रेगुलर स्केटिंग नहीं की, तो हमारे मसल्स की वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी जो कि प्रैक्टिस के बाद आती है। फ्रेंड्स, अगर आपका इवेंट कुछ दिनों में आने वाला है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप रेगुलर स्केटिंग करें। अगर बारिश हो रही है, जिस तरह की आपने वीडियो में देखा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मेरे टॉप स्केटर्स वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हमारा CBSE नॉर्थ जोन टूर्नामेंट अगले कुछ दिनों में था। स्केटर्स पूरी स्पीड पर स्केटिंग नहीं कर रहे थे, वो इतनी कंडीशनिंग कर रहे थे कि बॉडी उनकी पूरी टोन अप हो जाए, मसल्स उनके टोन अप हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, जब तक व्हीलों से बारिश की बूंदों की लाइनें नहीं बन रही थी, तब तक स्केटर ने स्केटिंग की। जैसे ही लाइनें बननी शुरू हो गई, यानी कि रिंग इतना गीला हो गया कि जो बारिश की बूंदें थी उनके ऊपर जब व्हील चले तो लाइनें बन गई, तब आपने स्केटिंग इमीडिएटली बंद कर देनी है। फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका रिंग ज्यादा गीला हो गया और अब आप स्लिप कर जाएंगे। लाइंस बनने का मतलब है आपका व्हील अब स्लिप कर जाएगा, इमीडिएट आपने उस समय स्केटिंग बंद कर दी। अगर आपने रिंक में गीले में स्केटिंग कर ली, आप डेफिनेटली गिर जाएंगे। बेशक आप बैक ट्रैक पे स्केटिंग करते हो, बेशक आप रोड स्केटिंग करते हो या फ्लैट ट्रैक, जिस तरह की मेरा रिंक था, आपको फुल फास्ट स्केटिंग नहीं करनी है, स्पीड थोड़ी कम रखनी है, टर्निंग से खास ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अभी परफेक्ट आपके लिए, द कंट्री फ्लैग विद मोस्ट कलर, 12 कलर्स, कंट्री नेम बेलीज। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।